हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अमृता मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू की चटपटी मसाला कचौड़ी रेसिपी। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस होली पे। ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता टेस्टी रेसिपी है। तो रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आलू की कचौड़ी बनाना। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, और 2 कप मैदे में पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन और नमक स्वाद अनुसार। तो मैंने 1/2 छोटा चम्मच नमक लिया है, या आप स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें देसी घी का यूज करूंगी, तो ये लगभग 2.5 चम्मच देसी घी है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे और ये मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया है। तो अब हमें लेके इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। इसको मोयन लगाना कहते हैं। अगर ये आपने अच्छे से किया तो आपकी कचौड़ियां बहुत ही अच्छी बनेंगी। तो इसमें अच्छे से ये काम करें। देखिए एकदम एक एक ग्रैनुअल्स में मिल जाना चाहिए। देखिए इसको मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स किया है, और ये देखिए इसकी मैं मुट्ठी बांधूंगी तो बंध जा रही है ये अच्छे से, कि यानी ये निशानी है कि मोयन इसमें अच्छे से लगा है। ये देखिए मुट्ठी बंध जा रही है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। एक साथ पानी ना ऐड करें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। और इसका हमें नरम आटा गूंथना है, जैसा कि हम रोटी के लिए गूंथते हैं उससे थोड़ा सॉफ्ट। और इसको बहुत ही अच्छे से मसलना है। जितने अच्छे से आप गूंथेंगे उतने चांसेस कम रहेंगी कि आपकी कचौड़ियां फटें। तो इस बात का ध्यान रखें, और थोड़ा थोड़ा करके आटा इसमें पानी ऐड करें। ये देखिए मैंने इसे एकदम नरम आटा इसका गूंथ लिया है। अब हम इसको ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए कि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए कितना नरम है ये। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 छोटा चम्मच ये खड़ी धनिया, 1/3 चम्मच साबुत जीरा, 1/3 चम्मच सौंफ है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आलू की कचौड़ी में। तो इसको हम दरदरा कूट लेंगे। ये देखिए मसालों को मैंने दरदरा कूट लिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कचौड़ियों में। गैस पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है। अब हम इसमें लगभग 2 पिंच हींग लेके ऐड कर देंगे, और जैसे ही हींग थोड़ी थोड़ी क्रैकल होने लगेगी हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और 1 इंच अदरक बारीक कटा हुआ। इसको थोड़ा सा हम स्प्लटर होने देंगे। तो मसाले मैंने कूटे थे सौंफ, धनिया और जीरा, वो हम इसमें ऐड करेंगे। बस इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे कि इसमें थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाए थोड़ी देर के लिए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 उबले आलू जिसे मैंने मैश कर लिया है, वो इसमें ऐड कर दें। आलू को मैंने मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी कसूरी मेथी 1/2 चम्मच होगा, और 1/2 छोटा चम्मच मैंने इसमें लिया है अमचूर पाउडर, 1/3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/3 चम्मच धनिया पाउडर, और 1/4 छोटा चम्मच मैंने इसमें लिया है गरम मसाला। तो ये सब हम ऐड कर देंगे और इसमें मिक्स कर देंगे। इसमें हमें आलूओं को बहुत ज्यादा भूनना नहीं है, बस केवल 2 मिनट में ये फिलिंग जो है एकदम रेडी हो जाती है। तो बस मिक्स कर दें। ये देखिए आलू की बहुत ही चटपटी फिलिंग बन के रेडी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए स्टफिंग थोड़ी ठंडी हो गई है, तो अब इसकी गोलियां बना के हम रख लेंगे, जिससे इसे भरने में फिर हमें आराम रहता है अगर बॉल्स बनी रहेंगी तो। तो ये देखिए 20 मिनट हो गए हैं, ये आटा हमारा सेट हो चुका है। तो अब हम इसके छोटे छोटे पोर्शन ले लेंगे, रोटी से थोड़ा छोटा ही पोर्शन लीजिए, और इसको एकदम हम चिकना कर देंगे, और इसकी हमें कटोरी जैसी बना लेनी है। तो आप चाहें तो थोड़ा सा बेल के कटोरी जैसा बनाएं, या हाथ से ही फैला के कटोरी जैसा बना लें। तो मैं इसको थोड़ा सा बेल लूंगी। ये देखिए इतनी छोटी सी मैंने इसकी लोई बेल ली है, आप इसको हाथ से भी फैला सकते हैं। तो अब ये जो मैंने बॉल्स बनाई थी आलू की, तो वो इसके अंदर हम रखेंगे, और इसको ये देखिए इसको स्टफ करने के लिए ऐसे धीरे इसको दबाते जाएं एक हाथ से, और इसको ऐसे ही बंद करते जाएं।
इससे ये एकदम अच्छे से सील हो जाएगी। फिर दबाते जाएं, ये देखिए। उसके बाद इसको ऐसे ही प्रेस कर दें। उसके बाद आप इसे हाथ से लेकर के ऐसे ऐसे फैला लें। इसे मैंने हाथ से फैला लिया है, इतना बड़ा, इसे बहुत पतला नहीं करना है। और आप देख लीजिए, अगर किसी तरफ ये बहुत मोटा हो तो उसको ऐसे ही हाथ से प्रेस कर दें। ये बन गई हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम अपनी सारी कचौड़ियां तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो अब ये जो कचौड़ियां मैंने बेल के तैयार की थी, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और आप देख रहे होंगे कि तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं है और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही तलना है। ये अपने आप थोड़ी देर में ऊपर आने लगेगी तभी ये खस्ता बनेंगी। अगर हम इसको हाई फ्लेम पे या हाई टू मीडियम फ्लेम पे करेंगे तब ये बहुत खस्ता नहीं बनेंगी। देखिए ये थोड़ी देर में अपने आप कैसे ये ऊपर आने लगी या फूल गई है। तो इसको आप लो ही फ्लेम पे फ्राई करें क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तभी आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। एकदम मार्केट जैसी खस्ता आपकी कचौड़ियां बनेंगी। ये देखिए कचौड़ियां दोनों तरफ से एकदम मैंने इसे तल लिया और ये कितनी खस्ता लग रही हैं, एकदम मार्केट जैसी लग रही है ना। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी चटपटी आलू की कचौड़ी बनके रेडी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। ओके, बाय।